तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं एक्सेल के बारे में। एडवांस एक्सेल की जो चीज़ें हैं उसमें हम बात कर रहे हैं आपके साथ प्रोटेक्शन मेथड के बारे में कि हाउ कैन प्रोटेक्ट योर डेटा, हाउ कैन प्रोटेक्ट योर शीट। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो प्रोटेक्शंस है, इस प्रोटेक्शंस के बारे में आपके साथ बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोटेक्शंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना प्रोटेक्शंस के दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका कोई फाइल आपके कोई पर्टिकुलर पोर्शंस यूज कर पाए या आपकी मर्जी के बगैर यूज ना कर पाए। तो प्रोटेक्शन सिर्फ पासवर्ड ही नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया को अलाउ करना, उसको डिसअलाउ करना, ये सारी चीज इसमें कवर होती है। तो ये चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी सीट पे डेटा है, मैं यहाँ पे डेटा रख देता हूँ, रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला लगा के कुछ डेटा ले लेता हूँ, और इस डेटा हमारे पास अवेलेबल है और इस डेटा के ऊपर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कोई भी पर्सन मेरे मर्जी के बगैर इसको कोई भी चेंज ना करे, छेड़छाड़ ना कर सके, किसी तरह का एडिट ना कर सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट शीट। दूसरा, आप यहाँ फॉर्मेट पे भी जा सकते हैं, होम मेनू में प्रोटेक्ट शीट, या रिव्यू टैब से भी आप प्रोटेक्ट शीट पे जा सकते हो, और यहाँ पे आप पासवर्ड डालें, पासवर्ड को कंफर्म करें। अब यहाँ देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि इफ़ यू लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो जब इसमें पासवर्ड आप डालते हैं तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि इसके अंदर का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड भूलना नहीं चाहिए। अगर पासवर्ड अगर भूल जाते हैं, पासवर्ड किसी तरह की चीजें समझ में नहीं आती है, तो क्या होगा, आप इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ओके करता हूं, अब मैं इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकता, बट इसको सिलेक्ट कर सकता हूं, इसको कॉपी करके कहीं और हम पेस्ट आराम से कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मैं स्पेस सिर्फ टाइप ही नहीं, मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन इसमें किसी तरह का चेंजिंग ना कर सके। तो चेंजिंग भी रोकना है मुझे, कोई चेंजिंग इसमें ना कर सके। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम यहां पे यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका लिखता है अलाउ ऑल यूजर फॉर दिस वर्कशीट टू, मतलब कि यूजर को हम अलाउ कर रहे हैं पासवर्ड देने के बाद क्या क्या कर सकता है। अगर आपने यहाँ पे फॉर्मेट रो या फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दिया, डिलीट सेल पे, डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दिया, तो पासवर्ड डालने के बाद वो डेटा तो चेंज नहीं कर सकता, बट कॉलम को डिलीट कर सकता है, डिलीट रो कर सकता है। तो ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, जिस भी चेकबॉक्स पे आपने क्लिक कर दिया वो पासवर्ड के बाद वो यूज हो सकता है। तो यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है सिलेक्ट लॉक्ड सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल, राइट सर। तो लॉक्ड सेल और अनलॉक्ड सेल क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन इससे इतना पता चल रहा है कि सिलेक्शन का अलाउ कि यहाँ पे सिलेक्शन अलाउ हो रही है, कि पासवर्ड के बाद वो सिलेक्शन अलाउ कर रहा है, ठीक है सर, ठीक है। तो मैं यहां से इसको अनचेक कर देता हूं, यहां से इसको अनचेक कर दिया एंड ओके। पासवर्ड आने के बाद आप देखिए मैं कहीं भी क्लिक नहीं कर रहा, और जाहिर सी बात है कहीं क्लिक ना करेंगे तो कॉपी करने के बाद, अब यहाँ पे देख कंट्रोल सी करने पे कॉपी हो रहा है, क्योंकि पासवर्ड डालने से पहले हमने उस एरिया को सिलेक्ट कर रखा था। तो उसको एक सिंगल सेल पे कहीं पे क्लिक कर दें, राइट क्लिक, फॉरवर्ड प्रोटेक्शंस, और यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब कहीं भी आप क्लिक नहीं कर सकते, जब क्लिक नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है आप जो है कहीं भी यूज नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। अगला ऑप्शन आता है कि यहाँ पे मेरे पास एक सिलेक्टेड एरिया है, इस सिलेक्टेड एरिया में हमने यहाँ दे दिया कलर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इस कलर्ड एरिया में प्रोटेक्शन अप्लीकेबल ना, मतलब मैं कहीं और टाइप ना कर सकूँ बट यहाँ टाइप कर सकूँ, तो इस प्रोटेक्शन एरिया से हमें बाहर रखना है,
ठीक है सर? ठीक है सर। तो कैसे रखेंगे बाहर? तो इसके लिए हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट क्लिक। अब देखिए पासवर्ड डालते समय जब आप पासवर्ड डालते हो तो यहां पे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट एंड वर्कशीट ऑफ द कंटेन ऑफ द लॉक्ड सेल। तो आप जो लॉक्ड सेल है उसी के ऊपर पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो। अब लॉक्ड सेल अनलॉक्ड सेल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो राइट क्लिक करके जब हम फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और इसके जो प्रोटेक्शन वाला टैब है उस पर जो लॉक पे क्लिक है, तो जिसके भी लॉक पे क्लिक है इट मीन्स वो प्रोटेक्ट है। और इसमें से मैंने हटा दिया तो अनप्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट। तो अब जैसे अनलॉक्ड पे हटा दिया तो इसका मतलब है नहीं कि एप्लीकेबल होगा। ये सब अप्लीकेबल कब होगा? जब हम इस पर पासवर्ड डालेंगे। तो राइट क्लिक किया और हमने यहाँ पे किया प्रोटेक्ट शीट और यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद अब देखिए यहाँ पे किसी तरह का वर्क नहीं हो सकता, बट यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है। अब इसी का उल्टा करना है हमें। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ हमने रेड कलर हमने यहाँ दे दिया। मैं चाहता हूं कि पूरे सीट में काम हो बट इस रेड रेडियो को छोड़कर उल्टा जस्ट। तो हम जानते हैं कि हर सीट बाई डिफॉल्ट हमारा लॉक्ड होता है। तो हमने वन और ए के बीच में ट्रायंगल सेल पे इस पर क्लिक किया और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे क्लिक किया और इस लॉक्ड को अनचेक कर दिया। तो अब क्या है, पासवर्ड डालने में पूरा का पूरा सीट पर वर्क होगा? अब इसको सिलेक्ट किए और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल और इसके लॉक्ड पे क्लिक कर दिया एंड ओके। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा एंड ओके करूंगा। तो यहाँ पे हमारा टाइप नहीं होगा बट यहाँ पे टाइप होगा। समझ गए? समझ गया सर। अब इसका यूज क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है इसके? तो चलिए एक छोटा सा डेटा फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। नेम, सिटी, नहीं डे क्वांटिटी करता हूँ, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, टोटल, और यहाँ पे हम करते हैं नहीं यहाँ पे कमीशन भी कर देते हैं, यहाँ पे GST कमीशन एंड टोटल देन डेट एंड टाइम। अब यहाँ पे क्या है कि अमाउंट जो है वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई MRP है, GST है इसका 18% और कमीशन है अमाउंट का 2% और इसका टोटल आपके सामने है। पीछे आ गया देख। अब यहाँ पे नेम देते हैं पूजा, क्वांटिटी देते हैं 20, MRP देते हैं 87। अब देखिए ये पूरा कैलकुलेट हो गया। अब मुझे यहाँ पे डेट और यहाँ पे टाइम डालना है। तो क्या है कि एवरी टाइम जो एंट्री करेंगे तो ये चार सेल होके जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ टाइप करके जैसे यहाँ MRP टाइप करके जैसी एंटर प्रेस करें सीधे हमारे यहाँ डेट पे फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है सर? ठीक है सर। तो कैसे होगा? तो पहले पूरी सीट को सिलेक्ट किया और इसको फॉर्मेट सेल में गए, इसकी लॉक्ड को हटा दिया, फिर ए डी ई एफ जी जो सेल है उस पर आया, राइट क्लिक किया फॉर्मेट सेल और इसके ऊपर वापस लॉक्ड को लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक किया प्रोटेक्ट शीट और यहाँ पे पासवर्ड डाला, पासवर्ड को कन्फर्म किया, लेकिन अभी भी सर कर्सर इस पर जा ही रहा है। तो जब पासवर्ड आपने डाला तो पासवर्ड डालते समय हमें एक चीज करना चाहिए था, ये जो सिलेक्ट लॉक्ड सेल है उसको अनचेक कर दीजिए। मतलब कि हम सिर्फ अनलॉक्ड सेल को ही चेक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, लॉक्ड का नहीं। तो अनलॉक्ड कौन कौन सा है? बाकी सारे अनलॉक्ड है सिवाय DEFG कॉलम के।
तो अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, जैसे मान लीजिए ओम डाल दिया यहाँ पे 74 63, और जैसे टैब मारा आपने देखा कि एक ही बार में मेरा कर्सर डेट पे पहुंच गया। ठीक है सर? ठीक है सर। तो अब इसके बीच में हम कहीं भी कर्सर नहीं रख सकते। इससे दो फायदा हुआ, टाइपिंग में स्पीड बढ़ गई आपकी, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई टाइप अगर कर रहे हैं तो आप एंटर प्रेस करते जाइए तो कर्सर वहीं वहीं जाएगा जहां जहां आपको टाइप करना है, जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है या फिर कोई इन्फॉर्मेटिक सेल्स है उस पर नहीं जाएगा। जैसे कि फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, तो फॉर्म वगैरह में आप चाहते हैं कि मैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमने नेम डाल दिया, यहाँ हमने सिटी डाल दिया और यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर कुछ टाइप करके एंटर प्रेस करूँ तो नीचे ना आके सीधे सिटी में जंप करे। तो कंट्रोल प्रेस करते हुए तीनों को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक और यहाँ फॉर्मेट सेल और इसकी लॉक्ड को हटा दीजिए ताकि टाइप हो सके, और फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट शीट पे आइए और इस लॉक्ड को अनचेक कर दीजिए, देन ओके। अब यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए, देखिए कहाँ जाएगा, इस पे टाइप कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, सिटी पे आएगा। राशिद जी समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट सर। अब बात करते हैं एक ही सीट पे दो तरह के पासवर्ड कैसे लगाया जा सकते हैं। मतलब मान लीजिए एक सीट पे हमारे पास दो एरिया है, दो पर्सन काम करते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ठीक है, एक ही सीट पे हमारे पास मिस्टर ए है और यहाँ पे मिस्टर बी है। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर बी मिस्टर ए की एरिया के साथ छेड़छाड़ ना कर सके और मिस्टर ए मिस्टर बी के एरिया पे छेड़छाड़ ना कर सके। तो इसके लिए आपको जाना होगा रिव्यू टैब में और यहाँ है अलाउ एडिट रेंज। इस अलाउ एडिट रेंज के न्यू सेक्शन पे क्लिक कीजिए और मान लीजिए यहाँ पर हमने ए सेलेक्ट कर दिया और हमने यहाँ से रेंज को सेलेक्ट कर लिया, रेंज सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया 1, देन ओके, पासवर्ड को कंफर्म किया, देन ओके, फिर न्यू पे क्लिक किया और ये आ गया बी और यहाँ हम मिस्टर बी को सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, और यहाँ पे मिस्टर बी का पासवर्ड डाल दिया, डिफरेंट पासवर्ड, पासवर्ड को कंफर्म किया, देन हो गया, बट इसको अप्लाई कीजिए एंड ओके कीजिए। तो देखिए अभी भी इस पे काम हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये अप्लीकेबल तब होगा जब आप करेंगे प्रोटेक्ट शीट। सीट पर राइट क्लिक कीजिए या इस पर क्लिक करके आप यहां पे प्रोटेक्ट शीट कर दीजिए। अब देखिए, अब यहां पे तो टाइप कर नहीं सकते, टाइप से इसी दो एरिया पे कर सकते हैं, लेकिन जैसे इस एरिया पे जाएंगे आपसे पूछेगा पासवर्ड। अगर आपने पासवर्ड डाल दिया पासवर्ड डालकर, मैंने मान लीजिए यहाँ पे 1 डाल दिया, तो अब मैं इस पर काम कर सकता हूँ, बट इस पर जैसे काम करने जाऊँगा ये अगेन पासवर्ड मांगेगा ये, और मैंने इसको अनलॉक किया तो कब तक अनलॉक है? जब तक कि फाइल ओपन नहीं होती, रीओपन नहीं होती, जैसे रीओपन होगा अगेन पासवर्ड मांगेगा। तो इसे 2 3 4 5 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड अप्लाई कर सकते। तो यूजर को पासवर्ड बोलना चाहिए, बताना चाहिए। मिस्टर ए को मिस्टर ए का पासवर्ड बता दीजिए, मिस्टर बी को मिस्टर बी का पासवर्ड बता दीजिए। मिस्टर बी को ए का पासवर्ड पता नहीं है, मिस्टर ए को बी का पासवर्ड पता नहीं है, एडमिन को तीनों का पासवर्ड पता है। ठीक है सर? ओके सर। चलिए अब बात आती है कि हम किसी भी सीट को डिलीट ना कर सके, किसी भी सीट को डिलीट ना कर सके। अभी तो डिलीट कर पाएंगे ना सर, इजीली इस पर राइट क्लिक किया और डिलीट मार देंगे। तो यहाँ रिव्यू में ही आपको यहाँ दिखता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। इस प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्लिक करके पासवर्ड डाल के जैसे ओके करेंगे आप, तो आप सीट पे किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकते, सीट आपका पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो गया। ओके सर? ओके सर। नई सीट इंसर्ट, अभी भी फाइल को ओपन किया जा सकता, आप चाहते हैं आपका फाइल ओपन भी ना हो तो उस केस में फाइल पे आइए
और यहाँ सेव कर रहे हैं, दो तरीके, अगर सेव कर रहे हैं तो ब्राउज में जाएं, और यहाँ टूल्स होता है, टूल्स में जनरल ऑप्शन, यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई डाल सकते हैं, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई, ठीक है सर। ठीक है सर। देखिए प्रॉब्लम इसके लिए फाइल को सेव एज करना पड़ेगा, आपका फाइल कनेक्टेड है अलग डिफरेंट डिफरेंट फाइलों से, अगर आपने सेव एज किया तो इसका लिंक टूट जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये जो है आपका बिना सेव एज किए वो पासवर्ड लग जाए, तो उसके लिए आपको इन्फो में आना होगा, और इन्फो में आपको इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड करना है, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, ठीक है। ठीक ये है आपको फाइल का ओपनिंग पासवर्ड डालेगा, इसके लिए फाइल को सेव एज करने की जरूरत नहीं। तो ये थी हमारी आज की प्रोटेक्शन मेथड की क्लास। तो प्रोटेक्शन मेथड में आपने जाना कि किस तरीके से हम सिस्टम को सिस्टम प्रोटेक्ट करते हैं।